मध्य प्रदेश सरकार की अनेकों जनहित योजनाएं चल रही हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अपने हिसाब से काम कराते हैं कि किस प्रकार विकास कार्य करना है। और विकास कार्यों में कभी कभी तो कई लोग शासन के नियमों को भी ताक पर रख देते हैं और निजी स्वार्थ के लिए घटिया कार्य करते हैं, तो वहीं बहुत कम लोग शासन की योजनाओं में गुणवत्ता लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज हमारी मीडिया टीम ने देखा कि विदिशा के लटेरी जनपद के ग्राम छिरारी में वहाँ के प्रभारी सचिव GRS हिम्मत सिंह थाकड़ को, जो गांव में क्लीन पंचायत ग्रीन पंचायत के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते दिखाई दिए, जो मजदूरों से कार्य करा ही रहे थे। मजदूरों के साथ साथ ग्रामीणों के अनुसार खुद भी लगभग 15 से 20 दिन से निरंतर श्रमदान कर रहे हैं और इसके लिए वह किसी से कोई परितोषक या मजदूरी नहीं लेते। वहीं उन्होंने बताया कि जहां से ये अंडरग्राउंड नाली निर्माण कार्य लगभग 300 फीट मंजूर हुई है, वहां उसको लगभग 400 फीट तक बनवाना पड़ेगा, जिसमें लागत भी बढ़ेगी और खर्चा भी आएगा। लेकिन कोशिश यह है कि शासन द्वारा निर्धारित राशि में ही उच्च गुणवत्ता के साथ शासकीय कार्य को ग्राम विकास के लिए पूर्ण कराया जाए, जिसमें ग्रामीण से भी थोड़ा थोड़ा श्रमदान करने की अपील की गई। हिम्मत सिंह धाकड़ ने समस्त प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए मिसाल पेश की है कि जो लोग शासन से तनख्वाह लेकर भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसे अनेकों कर्मचारियों के लिए यह एक उदाहरण है कि बिना किसी मजदूरी और किसी लोभ लालच के स्वयं निरंतर 15 दिन से श्रमदान कर रहे हैं, जिसके कारण उनके हाथों में लगभग छाले और भट्ठ जैसी दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीण जनों ने सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि और सेक्रेटरी के इस कार्य से प्रसन्न होकर मांग की है कि इस तरह से सही गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और कराने के लिए ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और सभी जगह के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को ग्राम विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नसीम, हिंदुस्तानी। हिम्मत सिंह धाकड़। हिम्मत सिंह जी, वैसे आपको देखा है हमने जनपद में आते हुए, लेकिन आज आपका ये अलग ही रूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या पोस्ट है आपकी? पंचायत में प्रभारी सचिव हूँ अभी, ग्राम रोजगार सहायक। अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत छिरारी। तो ये आपका गांव ग्राम पंचायत छिरारी है, तो घर का गांव है? हाँ, गृह पंचायत भी है। तो इसलिए आप खुद श्रमदान कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं? मैं श्रमदान कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि ग्रीन पंचायत क्लीन पंचायत। अच्छा, होगी जब ग्रीन होगी। अच्छा, क्लीन करने के लिए पहले आप ये रास्ते बना रहे हैं, नालियों की सही व्यवस्था बना रहे हैं, तो व्यवस्था तो बना रहे हैं, जो इसके लिए जो सरकार से जो आवंटन आया है, जो पैसा आया है, वो मजदूरों के लिए आया है, तो उसमें मजदूरों को भी इसमें रोजगार मिल रहा है। मजदूर, कितने मजदूर लगा रखे हैं आपने अभी? अभी 12-13 मजदूर लगे हुए। अच्छा, उन सबको वो काम कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं काम में कमी ना आ जाए, तो आप खुद सब बल उठा के मेहनत करने लगे? मुझे जहाँ भी दिख रहा है, बल्कि मैं है ना, जब से काम स्टार्ट हुआ है तभी से मैं जो भी कहीं कमी दिखती है उसको मैं खुद अपने हाथों से काम करता। आपके सरपंच साहब कहाँ हैं? सरपंच महोदय। सरपंच साहब से जानना चाहेंगे? सरपंच महिला हैं, प्रतिनिधि। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं, तो देखने में आ रहा है कि आपके सचिव साहब जो हैं यहाँ पर, ये खुद श्रमदान कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काम अपने हाथों से करवा रहे हैं। क्या ऐसी खास बात है? खास बात ऐसी है कि अपनी ग्राम पंचायत में पहले अगर अपन साफ सफाई करेंगे, जब आसपास के लोग देखते भी करेंगे, तो ये काम करने का इसलिए है कि अपन और लोग देखेंगे तो काम करेंगे, इसलिए सचिव साहब खुद काम कर रहे हैं और ये उनकी तरफ से संदेश जा रहा है कि सब लोगों को साफ सफाई करना चाहिए, ग्राम क्लीन हो, जब ही अपना ग्राम का नाम रोशन होगा कि नहीं यार अच्छा काम है। हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी मजदूर वो काम नहीं कर पाते हैं जो खुद जिम्मेदार जो होते हैं काम करवाने वाले, उन्हें पता होता है किस गुणवत्ता से काम होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए ये खुद इन्होंने अपना जो है मजदूरी के लिए अपने हथियार उठा लिए हैं और मजदूरी कर रहे हैं। कब से देख रहे हैं आप इनको काम करते हुए? लगभग आज दूसरा रोज होगा इनको देखते हुए, जब से काम चालू हुआ है, जब से ये प्रॉपर यहीं पे हैं और बताते हैं, वो करते भी हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सड़क कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ये सड़क ऊपर गांव से चालू हुई है। किसके घर से कहाँ तक है? राम गोपाल के घर से बस स्टैंड तक। ये CC बना रहे हैं आप? नहीं, अभी अंडरग्राउंड नाली निर्माण कर। अच्छा, अंडरग्राउंड नाली निर्माण। ये जो इसमें पाइप वगैरह डले हुए हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है, ये पाइप, ये कितनी मोटाई है इसकी? इसकी लगभग 9 इंची मोटाई है।
9 इंची मोटाई है और इसकी मजबूती की गुणवत्ता बताएंगे। मजबूती की गुणवत्ता हमने प्रैक्टिकल करके देखा, इस पर ट्रैक्टर भी चढ़ा के देखा था। अच्छा अच्छा, आप कुछ ग्रामीणों से जानना चाहेंगे? यहाँ बहुत से ग्रामीण बैठे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरे आप भी ग्रामीण हो, आप रोज देख रहे हो, कैसा काम चल रहा है? एक नंबर काम चल रहा है, सबसे बेहतरीन। अच्छा अच्छा, काम अच्छा चल रहा है, सफाई और जिम्मेदारी से करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? रामबाबू भैया, ये जो है काम कर रहे हैं, इनसे कैसे, खुश हैं या नाराज हैं आप? अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, वो पहले नहीं हुआ था जब तक आप दुखी थे कि खुश थे? लेकिन आप खुश हैं? आप खुश हैं, मतलब आपके सरपंच और सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे हैं? ठीक है ठीक है। अब और आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम भाई साहब? चंदन सिंह। ये घर आप ही का है? हाँ, ये बिटिया खड़ी है, ये घर आप ही का है? अच्छा, ये जो पानी की निकासी यहाँ दिक्कत हो रही थी, यहाँ आपने जो पाइप डलवाए हैं, ये पाइप कैसे लगे आपको? अच्छे मजबूत हैं? अच्छा अच्छा, ये जो काम हो रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? अच्छा अच्छा ठीक। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा भगवत सिंह। भगवत भाई, ये गांव कितना बड़ा गांव है? गांव खूब बड़ा है।